दोस्तों एक बार फिर से तैयार हो जाइए जानने के लिए कुछ ऐसे हिंदी वेब सीरीज के बारे में जिन्हें रिलीज की गई है दिसंबर 2022 में, और ये सभी वेब सीरीज दिसंबर 2022 की वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज में से गिनी जाती हैं। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से ऐसे इंटरेस्टिंग हिंदी वेब सीरीज हैं आज के हमारे इस काउंटडाउन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये इंटरेस्टिंग काउंटडाउन। नंबर 8, हसरते। सीरीज बेस्ड है रोमांस एंड ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज के टोटल 5 एपिसोड रिलीज किए गए हैं और हर एक एपिसोड में आपको नई नई कहानियां और नए नए कैरेक्टर्स नजर आने वाले हैं और हर एक कहानी सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी बनाई गई है। सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है जो कि रोमांटिक ड्रामा देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं हंगामा ओरिजिनल पर, और IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.2। नंबर 7, क्रस्ट सीजन 2। सीरीज बेस्ड है रोमांस एंड ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज के कॉन्सेप्ट शुरू होती है हाई स्कूल से, जहां पर स्टूडेंट्स के बीच प्यार शुरू होता है, लेकिन इसके बीच ब्रेकअप्स भी आते हैं। लेकिन इन ब्रेकअप्स और लव स्टोरी के बीच एक लव स्टोरी बहुत ज़्यादा सक्सेस भी होती है, और ये लव स्टोरी किस तरह सक्सेस होती है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं Amazon Mini TV पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.3। नंबर 6, फॉल। सीरीज बेस्ड है एक्शन मिस्ट्री एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट शुरू होती है ऐसी लड़की से जो कि अपने अतीत को पूरी तरह से भूल चुकी होती है, लेकिन वो लड़की किसी भी तरह से अपने अतीत में छिपे हुए सारे रहस्य को उजागर करना चाहती है, और वो लड़की अपने अतीत में छिपे हुए सारे रहस्य को किस तरह उजागर करती है यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं डिज्नी हॉटस्टार पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.4। नंबर 5, बीस्ट ऑफ बैंगलोर। सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो ये कंप्लीट सीरीज एक्चुअल में एक डॉक्यूमेंट्री है, और इस सीरीज में आप एक ऐसे क्रिमिनल के लाइफ को जान पाएंगे जो कि सच में एक दरिंदा है। ठीक इसी तरह इस बार आपके सामने एक ऐसे क्रिमिनल को दिखाने की कोशिश की गई है जो कि लड़कियों को मारता है और उनके कपड़े कलेक्ट कर अपने घर में रख देता है, और लास्ट तक पुलिस इस तक किस तरह पहुंचती है यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, और IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.8। नंबर 4, फारू अ लव स्टोरी। सीरीज बेस्ड है रोमांस एंड ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज के कॉन्सेप्ट शुरू होती है ऐसे लड़के से जो कि बहुत ही ज़्यादा अमीर बनना चाहता है, लेकिन अमीर बनने के चक्कर में वो बहुत सारे क्राइम्स को भी अंजाम देता है। लेकिन इस लड़के का अंजाम लास्ट तक क्या होता है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं सोनी लिप पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8। नंबर 3, फिजिक्स वाला। सीरीज बेस्ड है कॉमेडी एंड ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो ये कंप्लीट सीरीज एक्चुअल में एक बायोपिक है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ये कंप्लीट सीरीज आलिक पांडे के कंप्लीट लाइफ के ऊपर बेस करके बनाई गई है। और आलिक पांडे के लाइफ के बारे में जानने में जिन्हें भी इंटरेस्ट है उन्हें ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं Amazon Mini TV पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.7। नंबर 2, वेदांती। सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक लड़की की डेड बॉडी से, और यही डेड बॉडी के पीछे असल में केमिस्ट्री छिपी हुई है। इवन इसके हत्याकारी कौन है इसी मिस्ट्री को कंप्लीट वेब सीरीज में सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं Amazon Prime Video पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.4। और लास्ट और नंबर 1 पर हम बात करेंगे कैट। सीरीज बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट शुरू होती है रणदीप हुड्डा से जो कि एक्चुअल में पुलिस के लिए मुखबरी का काम कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से ही वो मुखबरी का काम छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो फिर से पुलिस की मुखबरी करना शुरू कर देते हैं। और असल में ये कारण क्या है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज की कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरी वन ऑफ द बेस्ट है। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.8। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का काउंटडाउन पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।